ये एक ऐसी टीम है जो बिल्कुल हार नहीं मानने वाली, वो भी हार मानने वालों में से नहीं, एंड यही चीज पूरे के पूरे इस एंटायर गेम को बहुत इंटरेस्टिंग बनाएगा। हिरंगल हमेशा जब भी हम बात करते हैं हमारी ग्रुप ए एंड ग्रुप सी की, तो हर बार हम देखते हैं कि इनके बीच में थोड़ा बहुत आपको कश्मकश जो है वो एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। नॉक फिलहाल के लिए जरूर निकला, बट इसी नॉक के बीच में थोड़ी एडवांटेज जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। टीम द ग्राउंडर्स पैन द ग्राउंडर्स स्लोली स्टेडली गन पावर पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ जाते हैं। सेंसा जो बैक स्टैप कर रहे थे बहुत अच्छा उन्होंने नॉक निकाला इधर, बिल्कुल एक शानदार यहाँ पे कह सकते हैं वो फाइट के लिए आगे बढ़ते हुए प्लेयर हमको नजर आए, कुछ शानदार कह सकते हैं ना पॉइंट्स अर्ली फाइट में निकालते हुए जराते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन के लिए होते तो फायदा रहेगा। लेकिन इसके बीच में इनके भी एक टीममेट यहाँ पे नॉक होते हमको देखने को मिल जाएंगे, जो कि कह सकते हैं थोड़ा सा हल्का मुश्किल इनके लिए रहेगा सर। और पिछली बार कुछ अच्छी फाइट यहाँ से ना निकाली थी, लेकिन इस बार क्या वो कर पाए वो देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी। कुछ अच्छे का स्प्रेज दोनों तरफ से आ रहे अपने टीममेट जो कि नॉक होते उनको यहाँ पे रिवाइव साथ के साथ कर लिया जाएगा, लेकिन नॉकआउट भी अब साथ में यहाँ पे किया जाएगा। थोड़ी सी मुश्किलें यहाँ पे धीरे धीरे हमको स्विच होते हुए देखने को मिल रही है। जो बिल्कुल सही कहा आपने, अंडरग्राउंड बहुत अपना मन बना चुके कि वो पूरी तरीके से अग्रेसिव जरूर होंगे, बट दूसरे तरफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे गन वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे डाउन जरूर हुए। सेंसी आपको देखने को मिल जाते हैं बहुत ज्यादा हावी होना चाह रहे ये प्लेयर अपने ओपोनेंट के टीम के ऊपर, बट देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये गेम एंड अप होगा। वेल इट एंड